हेलो एवरीवन, नमस्ते श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, जनाब कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइस आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो होने वाली है ओवैसी ब्रदर्स की वीडियो होने वाली है, असादुद्दीन ओवैसी एंड अकबरुद्दीन ओवैसी जी की वीडियो। बहुत यस एग्रेसिव सी ये वीडियो है क्योंकि जो यूपी के सीएम हैं आदित्य योगी नाथ जी, उन्होंने कुछ स्पीच में कहा था कि मैं तेलंगाना में वो स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से ऐसे भगाऊंगा कि इनको लीडर्स जैसे मतलब उनको कहा था ए आई एम आई वालों को, उनको भगाया था उस तरीके से कह रहे थे वो। तो फिलहाल देखते हैं इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन आया भाई ओवैसी ब्रदर्स का, वो भी बहुत ज़्यादा यस अग्रेसिव थे। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी चैनल को बातें डिस्कस सब्सक्राइब से जरूर कर बात। देना। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। योगी के इस बयान का जवाब बड़े और छोटे भाई ने मिलकर दिया। सुनो, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हमारे अब्बा आदम अलैह सलाम जब जन्नत से निकलकर दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। हिंदुस्तान मेरे अब्बा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे डैडी का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पापा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है। जब पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहाँ निकलेगा। जो पापा को नहीं मानेंगे वो ही खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या, तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। बात योगी से निकली तो पीएम मोदी तलक पहुंची। हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो चाय वाले, चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। अरे तुमने क्या किया, बात करे की चाय 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 की केतली, चाय का पानी, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। एमआईएम के ओवैसी ब्रदर्स की ये भाषा कोई नई नहीं है, ये अंदाज आपने भी कई मर्तबा देखा होगा, नया नहीं है। वो इससे भी ज्यादा भड़काऊ भाषणों का रिकॉर्ड बना चुके हैं, तोड़ भी चुके हैं। और इस बार चूंकि बात हिंदुत्व ब्रांड वाले योगी आदित्यनाथ ने शुरू की तो दोनों के हमलों की धार और पैनी हो गई। ये जुबानी जंग योगी के जिस बयान पर शुरू हुई उसे लेकर भी सवाल है, जिसका जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगी। ध्यान से हिस्ट्री का ये पाठ आपको भी देखना चाहिए। नहीं, बीजेपी अगर पावर में आई तो ओवैसी को निजाम की तरह भगा देंगे। सबसे पहली बात, आप तारीफ को जानते ही नहीं है। अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था। मीर उस्मान अली खान को राज प्रमुख बनाया गया था। असदुद्दीन ओवैसी इतिहास की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो तब की है जब हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी। हमने हुकूमत को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया। हमें अफसोस है कि ये फैसला हम पहले नहीं ले सके। हमने अपनी फौज को जंग रोकने का हुक्म दे दिया है और हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करने के लिए भी तैयार हैं। आजादी के एक साल बाद तक भारत में शामिल ना होने की जिद पर अड़े हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली बहादुर को सिर्फ 5 दिन में ही भारतीय सेना के सामने हथियार डालने पड़े।
उससे पहले तक निजाम हैदराबाद में राजाकारों के नेता कासिम रिजवी के दम पर भारत का मुकाबला करने का ख्वाब देख रहे थे। पटेल साहब, निजाम की मांगों को न माना गया तो रियासत में हिंदुओं के लिए मुश्किल आ सकती। कासिम साहब, आप अगर खुदकुशी ही करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई कैसे रोक सकता है? कासिम रिजवी उसी एमआईएम पार्टी का नेता था जो अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के नाम से जानी जाती है। कासिम ने ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी को एमआईएम की कमान सौंपी थी, जिसका नाम उन्होंने एआईएमआईएम कर दिया। उस वक्त निजाम का करीबी होने का फायदा उठाकर कासिम रिजवी ने हैदराबाद के लोगों पर जमकर जुल्म किए। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बने। 17 सितंबर 1948 को जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 1948 से 1957 तक वो जेल में रहा। इसके बाद उसे पाकिस्तान जाने की शर्त पर रिहा किया गया, जबकि निजाम मीर उस्मान अली को भारत में शामिल होने के इनाम के तौर पर 1950 में हैदराबाद का राज प्रमुख बना दिया गया था। यानी योगी जिसके हैदराबाद से भागने की बात कर रहे थे वो दरअसल कासिम रिजवी था, लेकिन उन्होंने नाम लिया हैदराबाद के निजाम का और इसी गलती पर ओवैसी उन पर बरस पड़े। आप तारीख को जानते ही नहीं है, हिस्ट्री में जीरो है आप। अगर पढ़ना नहीं आता, थम्स अप है तो पढ़ने वाले को पूछो। देखिए, दोनों ही नेताओं की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर गौर कीजिए आप। दोनों भाई अलग और योगी अलग। एक अल्लाह के भरोसे है तो दूसरे राम के। अगर जनता के लिए तन्मयता से काम करते तो अपनी राजनीति भगवान भरोसे कतई नहीं छोड़ते। खैर, मास्टर स्ट्रोक नेताओं के लिए नहीं है, नेताओं की कथनी और करनी एक जैसी है। धोखा इसमें ज्यादा है, सच्चाई कम है। ये मास्टर स्ट्रोक आपके लिए है। तो गाइज, ये थी वीडियो और इसमें भाई बहुत ज्यादा अग्रेसिव सी चीज हो गई थी ना उन्होंने। ये मतलब कि अलग अलग वो देते हैं बयान भाषण जो है, बट अगर कभी जिंदगी में दोनों भाई को इकट्ठा मौका मिला। अच्छा, हाँ भाई, दोनों तो भाई क्या ही करेंगे। हाँ, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असदुद्दीन ओवैसी जी, एंड वो एमएलए है अभी तक अकबरुद्दीन जी। तो मैं वही कह रहा था, है ना, मैं वही कह रहा था अगर वो क्या बोलते बन गए, मतलब कि वो भी इकट्ठे कहीं पे दोनों ने भाषण दिया होगा, वो वीडियो हमें जरूर सजेस्ट करना, देखेंगे भाई कि दोनों किस तरह से अग्रेसिव था भाषण होगा दोनों। बट दोनों शायद ही कभी इकट्ठे दिया हो, मेरे ख्याल से कभी नहीं दिया होगा। कभी नहीं दिया होगा ना। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को जाके संबोधन करते होंगे वो। एंड बाकी ये थी वीडियो, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी उन्होंने बात स्पष्ट क्लियर कर दी बाकी मीडिया वालों ने कि उन्होंने निजाम का नाम गलत ले लिया था आदित्य योगीनाथ, जिसकी वजह से लड़ाई भड़ गया ना। वो रिजवी थे जिनका नाम उन्होंने लेना था, लेकिन उन्होंने निजाम कह दिया था, तो फिर पूरी आगे से जंग पूरी छिड़नी थी ना। तभी उन्होंने कहा लास्ट में असदुद्दीन ने कि अगर अंगूठा छाप, अगर आपको पढ़ना नहीं आता, इतिहास ही नहीं पता, तो फिर पहले जाके वो चीज़ पढ़ो, फिर बात करो आगे, है ना। सो बाकी फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।